You've been talking about patience, hoping forever lasts. क्या था भी? अच्छा भाई कितना भी हो जाए हम लोग इस बार वाटरफॉल देख के ही मानेंगे, देख के ही जाएंगे। Yeah, yeah. MD. गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। आपने बहुत सारे व्लॉग देखे, थैंक यू सो मच। तो अभी हम राफ्टिंग करके आए, कल अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत सारा मजा आने वाला है। हम जाए हैं सबा और हमारी पूरी होले फैमिली है। तो ये व्लॉग हमारे कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, तोड़ दो हमारे सब्सक्राइब वाले बटन को। अकबर भाई के चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो मिले। और आपका भाई है इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से नीचे रही आईडी आके फॉलो कर लो। तो बस मजा आने वाला है। सामने आम का पेड़, दो चार आम लगे, बाकी सब झड़ चुके हैं। और व्यू देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा आ रहा है। और भाई क्या कर रहे हो? मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ कैमरा खाली करने के लिए, कैमरे की मेमोरी खाली करने के लिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट शूट के लिए जाएंगे। एंड रील बहुत सारी शूट हो गई हैं लेकिन एडिट होंगी यार धीरे धीरे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और मेरा ये है कि भाई कि जो हमारा क्वालिटी टाइम है वो हम घूम लें, शूट कर लें और एडिटिंग फिर धीरे धीरे करते रहें, क्योंकि एडिटिंग में लगता है टाइम और आने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक जा रहे हैं ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। आपका सैंडविच और इसमें आलू का पराठा आई थिंक जो खाने वाला है। अभी नाश्ता क्या? नाश्ता बहुत एक नंबर का। क्या है? सैंडविच एंड चाय और एक आलू का पराठा। एक आलू का पराठा, हम तो ये एनर्जी ज़्यादा लगती है, हम दो आलू के पराठे खाएंगे। ये आते भूत बनाए, अभी भी तो नहाए तो नहीं है, नहा चुका हूँ तभी तो भूत बनाऊँ। बाल खुली कर फिर अभी जाऊँगा मैं, बियर्ड का लगा के तेल। क्या बात है, ये हमारे बीच भान सर। तो ये आ गए हमारे आलू के पराठे। सबा रेडी हो गई? आलू की तुम्हारी चटनी बढ़िया लग रहा है। तो भाई ये हमारा बैग। हेलो आज बिट्टू, तो बनाना है वीडियो, हमें चाहिए विंटू चाहिए। मैं भी हूं अबे अंदर से दो तीन पीस। और ये आपका शिवा टेंपल जो कि है देहरादून सालन गांव में। और आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि आज हम जाएंगे मसूरी, मसूरी से फिर जाएंगे हम आपका कैंपटी वाटरफॉल। मैंने बहुत जगह कैंप बोल दिया तो उसको इग्नोर करिएगा। तो भाई हम जो है तो रुके हुए हैं रास्ते में ये बस, और हवा बहुत प्यारी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया है। भाई सिकंजी रह गई है तो सिकंजी पियेंगे, कभी हमारी दसवीं हो गई है, हमारी भी सिकंजी आने वाली यार, हम भी सिकंजी पी ले। गल एकदम चौक हो रहा है, गल एकदम चौक हो रहा है। चलो भाई एक हम पहाड़ों में सिकंजी पीने का अपना ही अलग मजा है। देखो ये लोग ये दोस्त हैं भाई, पहले आगे आगे पी लेते हैं और हमसे कहते हैं कि हम व्लॉग बना रहे हो, भाई का ध्यान ही नहीं दे रहे, ऐसी दिल तोड़े देते हैं। अब जा रहे हैं आगे का सफर शुरू हो रहा है। चल रही है? हाँ है तो यार सो भाई इतना लंबा जाम लगा है, ऑलमोस्ट हमको मसूरी से 15 किलोमीटर आगे है कैम वाटरफॉल, वहाँ जा रहे हैं तो टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग मैंने शनवा सिकंदर ने क्या किया कि भाई हम उतर गए कि चलो एक काम करते हैं पैदल चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी और जब बस आ जाएगी तो बैठ जाएंगे। उधर जा रहे हैं और हम अपना ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपका कंटिन्यू ट्रैफिक है, काफ़ी लंबा ट्रैफिक है। देखिए स्पेशली हम आपके लिए इस व्यू के लिए हम इतना लंबा चल के आए हैं कि ये व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू है। अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर जाना है तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। तो भाई ये हुआ कि हम जा रहे थे कैम वाटरफॉल के, वो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो ये प्लान हुआ कि हम लोग बैक होते हैं। बैक होने के बाद अभी हम जहाँ पे हैं ये आपका भट्टा वाटरफॉल है, यहाँ पर हम जाने वाले हैं। यहाँ पर रोप भी है और मौसम सुहाना हो रहा है, सुहाना दिखाता हूँ आपको। देखिए एकदम बादल काले हो गए हैं, मौसम आई थिंक पे ये देखिए चेंज देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपका पहाड़ी फल भी मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी लजीज फल हैं। और ये भुट्टे सामने हैं और हम जा रहे हैं अब मसूरी ले, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ रहा है और मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो डिसाइड ये हुआ कि चलो भाई ये पास में ही आपका मसूरी लेक है, ये हम आ गए मसूरी लेक में। और ये नीचे काफ़ी ढलान, अंदर सब अच्छी चीज़ है। चेंज कर लिया, ये सही काम किया भाई, ये अच्छा काम किया, ये चेंज करके रहा करो। चलो ये तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं,
अब यहाँ पे हम लोग जिपलाइन करेंगे। मौसम क्या, अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि मौसम हमारा साथ दे दे। भाई बारिश होने लगी, प्लान पूरा चौपट हो गया है और हमने पहन लिया है बरसाती, यानी कि छोटा सा रेनकोट। और अभी हम हैं और इधर हमारे जो है तो क्या बोलते हैं सिकंदर भाई है, हम लोग जा रहे हैं अब नीचे की तरफ जहाँ पे सब लोग आए हैं भीगने, क्योंकि भाई ये मौसम ऐसा है कि इसमें तबीयत खराब हो सकती है। क्या बात है, यहाँ पे हम बोटिंग के लिए आपका टिकट ले रहे हैं। भाई ने आप पैसे का चिंता ना करिए मेरा भाई, हो जाएगा, डोंट वरी। इसका एक बोटिंग है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 30 का है। अच्छा, दो लोग मार सकते हैं। ये मोड़ने वाला है। अभी हम लोग भी खाने वाले हैं भाई। अब हम ले रहे भुट्टा, यहाँ पे बेहतरीन आंटी भुट्टा दे रही हैं। भुना। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है, 50 रुपए का भुट्टा है, लेकिन पहाड़ों में जो मिल जाए भाई वही सब सही है। आयत, ठंडा लग रहा है, मजा आया आज। ऐसा हुआ है, बारिश हुई है और बारिश के बाद का जो मौसम है, कोई किसी का मन करे या जो तो ना करे, लेकिन भुट्टा खाने का मन जरूर करता है। गर्म कर दिया आंटी को, थैंक यू सो मच भाई। तो वहाँ हम आए आपका मसूरी लेक, लेकिन टाइम हमारे पास बच गया तो हम लोग फिर कहें वाटर पार्क जा रहे हैं। और थोड़ा फंबल हो रहा है, एडजस्टमेंट कर लेना क्योंकि बहुत एकदम दौड़ लगा के आए हैं। तो बस ऑन द वे हैं, अभी ऑलमोस्ट हमारा 12-13 किलोमीटर और है, तो बस रुकी है, इसलिए हम आगे आगे जा रहे हैं कि भाई जब तक बस आएगी तब तक हम लोग इन्जॉयमेंट कर लेंगे। शाम का आसमान कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये काफ़ी आगे एंड हम लोग चल रहे हैं, पीछे भी दो लोग और हैं, दौड़ लगा के आएंगे। इंसानो भाई भागो, अरे ट्रैफिक लगा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। सामने बस खड़ी है, जितना परेशान नहीं होना है। अरे तो थोड़ा आगे होगी, ट्रैफिक लगा है, चली थोड़ी आएगी। अरे हम लोग आ ही रहे ना, आज अलग है, बारिश हो गई नहीं। हम लोग जो है ना पैराग्लाइडिंग करने वाले थे लेकिन वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ जो हमारा मौसम था वो हमारा साथ नहीं दिया। सांस फूल रही है। हम और मेरे साथ में शहनवाज, हम लोग 20 ट्रैफिक में हैं। या अकबर अहमद भाई है क्या बस हम लोग की? नहीं नहीं, हमारी कैमरे की बैटरी जो है वो डेड हो गई है। हमारे एक भैया हैं हरियाणा वाले, हरियाणा से भाई। आप यही चैनल है ना आपका? हाँ, अकबर अहमद। हाँ भाई यही है। ओके ब्रो। भाई क्या नाम है आपका? हर्ष भैया। हर्ष भैया हमारे साथ हैं, सौरभ भाई। और भाई आप? भाई मैं आपकी गाड़ी पे हाथ रखा था अभी। हाँ। अच्छा। तो हम लोग रील बना रहे थे जिस गाड़ी पे, वो पागल है, ये पागल है ना, ये पागल नहीं, बड़ा सुंदर बंदा है, वाले चली यूपी हमसे। अच्छा लगा मिलके। और भाई, भाई आपका नाम क्या? लवेश जिंदल। लवेश क्या बात है, बढ़िया प्यारा नाम है। भाई आपका? गोरखपुर। भाई आगरा नहीं ले जाना भाई को। चलो बहुत बढ़िया, कैसा लगा आपको? आपकी बाइक जा रही गाड़ी। और पाजी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ओ सत श्री अकाल जी, अकबर अहमद। हाँ, ओ सच करो भाई। नाम क्या आपका? एकम हरमीत सिंह। पाजी की मुझे बहुत प्यारी लग रही है। तो गिरीश भाई हैं जो कि मसूरी से ही हैं, स्पेशली मसूरी में ऐसा क्या है कि लोग आए? और वैसे तो बहुत सारे लोग, वेदर का मजा है बस, वेदर का व्यू वगैरह है, वगैरह है। और अभी यहाँ से कैंप वाटरफॉल ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होगा। कैंप्टी फॉल? हाँ, कैंप्टी फॉल होगा यहाँ से 14 किलोमीटर। भाई करेक्ट नेम कैंप्टी फॉल है, तो ये लोग ना कहेंगे मैं गलत बोल रहा हूँ, एक्चुअली फंबल भी हो रहा है और भूल भी जा रहे हैं क्योंकि नए 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 वर्ड से नहीं याद हो रहे हैं। लोकेशन कौन सी है? ये है लाइब्रेरी चौक। तो लाइब्रेरी चौक है और यहाँ पे भाई की पार्किंग है, अगर आपको कभी भी कार की असुविधा होती है तो यहाँ पे अपनी कार पार्क करें और घूमें। और ये प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो ट्रैवल करने आ रहे लोग, अभी मेरे ब्लॉग में देखा बहुत सारे लोग मिले, काफी अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम तो मिलकर सबको मजा आ रहा है। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, यू बीन टॉकिंग अबाउट पेशेंस, होपिंग फॉर एवरलास्टिंग। फाइनली हम पहुंच गए हैं कैंप्टी वाटरफॉल और काफ़ी जद्दोजहद करके पहुंचे बिकॉज अब 2 घंटे का रास्ता था। मेरे कान सुन गए कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं ना, तो बिल्कुल भी एकदम यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है जिसकी वजह से हमारे कान के थोड़े से सुन हो गए हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे ठंडक लग रही थोड़ी सी। अगर पैराग्लाइडिंग हो जाए ना, बाखुदा मज़ा आ जाए।
लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देख ना घर घर किस तरीके से बने हैं, ये घर हैं या होटल हैं, मतलब कितना नीचे पिलर किया हुआ है, फिर पिलर को टांग के फिर ऊपर स्लेब डाल के बना हुआ है दो स्लेबों के साथ में। बहुत अच्छा सर, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। देखते हैं कौन कौन जाता है कैंपटी फॉल में भीगने के लिए। निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि टीम में काफ़ी सारे लोग हैं, तो भाई हो क्या रहा है कि सब लोग का फोटोशूट रील और ये वो सारी चीज़ें बन रही हैं। एंड नाउ हम जा रहे हैं फाइनली वाटरफॉल पे। भाई यार लाइट डिम हो गई है थोड़ा सा, पता नहीं निकल रहे हैं और भाई कोशिश या दुआ कर रहे हैं कि बंद ना हो क्योंकि अभी चल हमारा ये मेरा बॉस मेरा भाई तो हमारे अभी भाई बता रहे हैं कि 6 बजे बंद हो जाता है और अभी 7 बज चुका है और चूँकि हम लोग हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया तो अभी बंद होगा खुला होगा। चुप बोलो यार, चुप चुप बोलो। अगर खोया हुआ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है यार। अल्लाह पाक आज कोई करिश्मा कर दे, उनके दिल में रहम डाल दे कि भाई खोल दे। हम लोग बहुत दूर से बहुत किलोमीटर बहुत हाइट पे आए हैं चलकर और यहाँ लोग जैकेट पहने हैं, हम हाफ स्लीव में घूम रहे हैं, हाफ चड्डे पे घूम रहे हैं भाई। लेकिन ऊपर वाले इतनी इम्यूनिटी सिस्टम दे दी है कि खैर हम मतलब जो है तो आपका ठंडन नहीं लग रही, लेकिन हाँ थोड़ा आवाज़ में पता चल रहा होगा। हम अभी कितने हाइट पे होंगे? अभी हम 1300 मीटर 1400 मीटर की हाइट पे होंगे। 1300 14 मीटर से है मेरा तो भाई बम्बल ही बम्बल हो रहा है। 1300 मीटर की हाइट पे हैं और आई होप कि अभी जो हमारा वाटरफॉल है वो खुला होगा और भाई हम लोग उतरते चले जा रहे हैं। टीम पीछे आ रही है। खुला है वाटरफॉल? हाँ खुला है। अब बात है खुला है। हम मुजाहिद एंड सबा भाई कितना भी हो जाए हम लोग इस बार वाटरफॉल देख के ही मानेंगे जाएंगे भाई। अभी एक से पूछा वगैरह कि आ ही रहा है, वगैरह अच्छे अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो भाई एक बार ठंड बहुत है, ठंड और हम लोग हाफ फ्री पे घूम रहे हैं। रास्ता पूछे आप, रास्ता जब लखनऊ में तो इतनी गर्मी यहाँ रास्ता सीधा ही है। अरे ये देखो पहाड़ भाई, कितना ठंडा हवा आ रहा है भाई। वाटरफॉल का पानी, अब वाटरफॉल का पानी तो शायद बंद हो गया है आई थिंक वहाँ। हाँ क्योंकि सभी लोग मिल गया, रास्ता मिल गया वहाँ से देखो दुकानें। अच्छा अब वहाँ जाके और यहाँ मुझे है डिस्कस करने की वहाँ से रास्ता, तो वहाँ से पूरा घूम के नीचे उतर के आएंगे, वहाँ पे हमें फाइनली वाटरफॉल मिलेगा। और बच्ची कहाँ से है आप? मैं ग्रेटर नोएडा से। अच्छा नोएडा से, यानी कि यूपी से। हम भी यूपी से, हम लखनऊ से हैं। अच्छा यह वाटरफॉल देखने आए? हाँ तो यहीं से देखेंगे या वहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे। वहाँ क्या नाम बेटा आपका? मेरा सारांश। सारांश क्या बात, क्यों कह रहा जाने की हिम्मत नहीं है, इतनी टी शर्ट हालत खराब है, तुम ही लोग जाओ उसमें। नहाने जा रहे हैं कैमरे लेके पानी में घूम गया तो भैया 1.5 लाख का कैमरा है। पता है सब सुनिए, ये आजम है, ये क्या बोलते हैं पहाड़ अपने आप उगते हैं, किसको बनाया जाता है। एक बार देखते हैं ना, देखते हैं। और यहाँ पे देख पॉलिस छोटा वाला रहता है, इधर से भी आ रहा है पानी, इधर से भी आ रहा है और आपका ये पूरा आके नीचे, ये आपका जो है जो ये देखिए ये नीचे जा रहा है और भाई नीचे पूरा है भाई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो फॉल का पानी है यही आपका नीचे कैंपटी में जा रहा है, तो ये हम काफ़ी टॉप पे हैं, नीचे जाएंगे तो यही पानी हमें मिलेगा। एक बार और उत्तराखंड गया हूँ, नैनीताल गया हूँ, लेकिन वो बहुत शॉर्ट ट्रिप था, 2 दिन का एक प्रोग्राम था, तो उसमें हम मतलब कि ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर पाए थे। और उस वक्त मैं कैंपटी वाटरफॉल में तो अजीत सिंह भैया हैं, उनके यहाँ गढ़वाल ड्रेस है, गढ़वाल फोटो सर्विस। अच्छा तो यहाँ पे गढ़वाल फोटो सर्विस है और काफ़ी अच्छी ड्रेस है, ये देखिए बेहतरीन। क्या रेंज है? अच्छा ड्रेस का रहता है कितना? 50 रुपये ड्रेस का। अच्छा। बाकी 150 रुपये हमारा फोटो का रहता है। अच्छा तो फोटो का 150 रुपये और ड्रेस का 50 रुपये, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? चंदू भाई। क्या बात है, रेस्टोरेंट्स भी हैं छोटे छोटे और बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं और व्यू भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, हालांकि वी आर टू मच लेट। लेकिन और क्या बताओ, अरे वाटरफॉल का रास्ता पीछे, हम आगे चल के हम अभी बहुत पहाड़ियों खाइयों की तरफ आ गए, पता नहीं चल लिखा था झील का रास्ता और हम लोग बहुत आगे चले गए थे। देन नाउ वी आर गोइंग टू एग्जैक्ट वे कि भाई अब किस तरफ जाना है। और बहुत जो है तो मार्केट ज्वेलरी अभी तकरीबन हमें 200 मीटर और नीचे उतरना है। ये पूरी मार्केट है नीचे, जो ये देखिए नीचे जा रही है, देख रहे हैं आप बहुत सारे कैंपटी वाटरफॉल
आते हैं देखने, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं पता है ये कब बना, कितना इसमें पैसा लगा। तो ये बना है 2007-08 में और इसमें 444,00,000 करोड़ रुपया लगा, क्योंकि दो पहाड़ों को काट के बीच में देख रहे हैं आप मार्केट, प्रॉपर रास्ता और कितना नीचे है वो बनाया गया है। अकबर अहमद, केयर एंड लव द नेचर, क्या बात है। सुबह फाइनली हम पहुंच गए कैम्पटी वाटरफॉल और यहाँ पे लाइट नहीं थी, किस्मत ऐसी क्योंकि रात बहुत हो गई, लेकिन बहुत ठंडा पानी, बहुत मज़ा, बहुत एंजॉय किया। सुबह ये देखिए पीछे आपका वाटरफॉल है वाले पानी में, पहले हम लोग फोटो शूट करेंगे उसके बाद हम लोग पानी में जाएंगे। भाई फाइनली जो हमारी सुबह से अब तक की जर्नी थी वो यहाँ पे एंड हुई, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जिसमें हम लोगों को भरपूर मज़ा आया है। भाई हालांकि लाइट नहीं थी, लेट हो गए जाने में, तो बहुत हालत ख़राब हुई, देखा बहुत ज़्यादा आपको व्यू नहीं दिखा पाए क्योंकि लाइट नहीं थी, हमने वहाँ से दिखाया एंड अब चढ़ रहे हैं यहाँ पे। भाई हम सर, भाई आपका नाम क्या? सुशील राठौर। तो सुशील राठौर भाई हैं, क्या नाम है आपका? संजीत राणा। संजीत राणा, तो ये लोकल से ही हैं, तो इनका शॉप भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो आप वाटरफॉल आइए। तो ये कैंपटी जो मेन वाटरफॉल है वहाँ पर आइए, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो आके अपना नहाइए धोइए और एंजॉयमेंट करिए और साथ में खाना पीना भी खाइए। चलने की दिक्कत होती है तो यहाँ पे रोपवे भी है, दिक्कत नहीं, पर टूरिस्ट को दिक्कत होती है। टूरिस्ट मतलब वही मतलब आपको नहीं, जो टूरिस्ट आते हैं उनको दिक्कत है, रोपवे है 120 बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रमोशन किया है, जो भी इनकम होगी 20% सभा का। तो भाई हमने ये ले लिया है, ले ली है, ये आपके 150 की है और अभी डिस्काउंट भी हम थोड़ा सा ले लेंगे, अभी मैम देंगी, तो अच्छी लग रही है ना, ले लेते हैं। पहले हम सोचा था कि जब भी कभी हिल स्टेशन पे आएंगे तो हम ये ज़रूर खरीदेंगे, तो बस मेरा गूगल पे काम कर जाए, बाकी ले लेते हैं। ये हैं रिया जी हैं, उनकी बहुत अच्छी कैप की शॉप है, ये भी हैं, तो ये बहुत अच्छे, तो ये ले लेते हैं हम फाइनल। नाम क्या है आपका? नीनू जी हैं, रिया जी। तो आपको ये हमने ले लिया है आई लव मसूरी, और ये हमारे भैया हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा वुडन का आइटम मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये मुझे अच्छा लगा, ये ले लिया है? अच्छा नहीं लगा है अकबर सर, मैंने सजेशन दिया है कि मैंने लिया है, आप भी ले लो, किसी को देने के काम आएगा, हमेशा क्रेडिट ना ले जाए करो, हमेशा हमेशा झूठा क्रेडिट ना ले जाए करो। नहीं लिया मैडम, अच्छा तो इन्होंने यहाँ सजेशन दिया है, थैंक यू सो मच, ये हम अपनी फ्रिज में लगाएंगे। गुड, तो हमने ये ले लिया है, हमने लिया है अपने न्यू होम के लिए वेलकम, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो ले लिया है, आगे वाले कमरे में टांगेंगे, इसमें प्रॉपर है ना, तो बढ़िया है, थैंक यू भैया, थैंक यू। हमने ले लिया टोपी, ये दो आइटम घर के लिए ले लिए, बहुत थके, बहुत थके, हाफ रहे हैं पूरे, क्योंकि हम वो जो नीचे उतर के गए ना सीढ़ियाँ, 300-400 सीढ़ियाँ थी, चढ़ गया है। सो ये था भाई हमारा प्रॉपर कैम्पटी वाटरफॉल का एक प्यारा सा और स्ट्रगल भरा व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, लव करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर आपका ऐसे ही प्यार मिलेगा तो आपका भाई आपका और आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करेगा, नए नए ट्रैवल करेगा, तो बस ये हमारी ट्रैवल की जर्नी है। तो मेरा जो कुछ ट्रैवल व्लॉग है लोगों के होंगे, लेकिन मेरा बनाने का तरीका यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस जगह के बारे में बता सकूं। बस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर, लव यू।